जब सत्ताई भूख पर ओछापन सवार हो जाता है तो राजनीति से प्रेरित और एक पूरी कौम, एक पूरी संस्कृति, एक पूरे प्रदेश को बदनाम करने की मंशा से जिंदा लौटने वाले बयान दिए जाते हैं। काश प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर अधिकारियों से ये बता पाते कि उनकी गलती से शहीद हुए 700 से ज्यादा किसान किसको धन्यवाद कहें, पीएम को, एक साल तक दिल्ली की सीमाओं पर सत्ता का अहंकार झेलने वाला अन्नदाता किसको धन्यवाद कहे, पीएम को, नोटबंदी के समय बैंक की कतारों में जान गंवाने वाले किसको धन्यवाद कहे, पीएम को, जिनका काम धंधा भाजपाई नीतियों ने तबाह कर दिया वो लोग किसको धन्यवाद कहे, पीएम को, लखीमपुर में भाजपाई मंत्री पुत्र द्वारा कुचले गए किसान किसको धन्यवाद कहे, पीएम को, हाथरस की वो बेटी किसको धन्यवाद कहे, पीएम को, पीएम बात करते हैं धन्यवाद की तो हम बताते हैं किसको धन्यवाद कहना, बेरोजगार युवा की बेरोजगारी के लिए, महिलाओं की असुरक्षा के लिए, दलितों पर बढ़ते अत्याचार के लिए, किसानों पर बढ़ते वार के लिए पीएम से धन्यवाद कह देना और पीएम से धन्यवाद कह देना पंजाब को बदनाम कर देने के लिए। मगर बस इतना याद रहे, इस देश की बुनियाद बहुत मजबूत है, पीएम मोदी के राजनीतिक साजिश वाले बयानों से हिलेगी नहीं। जय हिंद।